अरे हरि ओम का पाठ पढ़ाकर गुरु करे घोटाले, हरि ओम का पाठ पढ़ाकर गुरु करे घोटाले। भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले, भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले। अरे भाई खाटू वाले तेरे खेल निराले, भाई खाटू वाले तेरे खेल निराले। समोसा लाल से क्यों नहीं खाया, अरे हरी चटनी से खाया समोसा लाल से क्यों नहीं खाया। अरे हरी चटनी से खाया समोसा लाल से क्यों नहीं खाया, हरी चटनी से खाया समोसा लाल से क्यों नहीं खाया। और गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया, अरे गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया। सच्ची बात है ना, बोले बाबा मैं आपके दिल्ली समागम में आई थी, आपने कहा था गोलगप्पे खाओ कृपा बरसेगी, नहीं बरसी। दूसरी का नंबर आया, बोला बाबा आपने कहा था हरी चटनी से समोसा मत खाना, लाल से खा कृपा बरसेगी, नहीं बरसी। चटनी बदल दी, गोलगप्पे वाला बदल दिया, अब की बार बाबा बदल दूंगी, या तो मेरा काम बना दो। हरी चटनी से खाया समोसा लाल से क्यों नहीं खाया, हरी चटनी से खाया समोसा लाल से क्यों नहीं खाया। गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया, गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया। एक शुगर का मरीज बाबा के दरबार गया, बोला बाबा शुगर बहुत है, 5 साल से शुगर है, क्या करूं। बोला रसगुल्ले खाओ कृपा बरसेगी, शुगर वाले को मीठा खिलाते हैं, और जैसे रसगुल्ले खाए उसके पिताजी, अगले समागम में बेटा आया, बोला बाबा आपने कहा था रसगुल्ले खाओ कृपा बरसेगी, लेकिन रसगुल्ले खाकर तो पापा बरस गए, रसगुल्ले खाकर तो पापा की जयराम जी की हो गई, क्या किया जाए। बोला रसगुल्ले रस के साथ खाए थे या बिना रस के खाए थे। बोला मैंने कहा था सिर्फ गुल्ले खाओ, तेरे बाप ने रस के साथ रसगुल्ले खा लिए, मेरा क्या कसूर। गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया, गोलगप्पे से आती कृपा बाबा ने बतलाया। और शुगर वाले को खिला दे मीठा, शुगर वाले को खिला दे मीठा, चांद के पर गए लाल बाबा मुरली वाले तेरे खेल निराले, बाबा मुरली वाले तेरे खेल निराले। अरे बाबा खाटू वाले तेरे खेल निराले, बाबा खाटू वाले तेरे खेल निराले। जाते नटवर नागर कवि भोला शंकर, कभी बन जाते नटवर नागर कभी भोला शंकर, नटवर नागर बन जाते हैं, हरि ओम हरि करते ना, ऐसे नाचते हैं ना चेलो, क्या के गुरु के नाचने का क्या काम। लेकिन जब पकड़ने पर आए तो क्या हुआ, एक अबला ने बजाया तबला बाबा जेल के अंदर, एक अबला ने बजाया तबला बाबा जेल के अंदर, एक अबला ने बजाया तबला बाबा जेल के अंदर, एक अबला ने बजाया तबला बाबा जेल के अंदर। अरे खाते थे जो सूखी मेवा, सूखी मेवा खाते थे जो सूखी मेवा, रोटी के पड़ गए लाले बाबा मुरली वाले तेरे खेल निराले, अरे बाबा मुरली वाले तेरे खेल निराले।
स्वरूपा कोई राधा माता, कोई बन जाती राधा स्वरूपा कोई राधा माता। और आजकल कैसे कैसे नाम, राधा स्वरूपा, हरिदासी, अनंत हरिदासी। राधा स्वरूपा का मतलब पता है, राधा का स्वरूप। क्या कोई हो सका है? अगर आप अपने नाम के आगे राधा स्वरूपा लगाओ तो क्या राधा रानी बन सकते हो? तो कितनी बड़ी बड़ी उपाधि लगाते हैं। कोई बन जाता राधा स्वरूपा कोई राधा माता, कोई बन जाता राधा स्वरूपा कोई राधे माता, कोई नागिन की धुन पे चेलो को नाच दिखाता, कोई नागिन की धुन पे चेलो को नाच दिखाता। ये भजन हंसी का भी और समझने का भी है। अगर उस बाबा के दरबार में जाने की जगह इसके दरबार में झूठ मूठ के भी चले जाते ना तो कृपा 100% बरसती, बरसती के नहीं। और नागिन धुन पे डांस दिखाता था चेलों को, कोई नागिन की धुन पे चेलों को है नाच दिखाता, कोई नागिन की धुन पे चेलों को नाच दिखाता। और जो खाते थे सूखे मेवा, खाते थे सूखे मेवा, जो खाते थे सूखे मेवा, खाते थे सूखे मेवा, आज रोटी के पड़ गए लाले। वाह भाई मुरली वाले, वाह भाई खाटू वाले। भजन सभी को समझ में आया? अब एक बार दोनों हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे हाथ उठाओ और भजन की अंतिम लाइन ताली बजाकर कहेंगे क्या, वाह भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले, वाह भाई मुरली वाले तेरे खेल निराले, वाह भाई मुरली वाले तेरे।